कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक ही होगे। अब मैं आपके पास जो मैंने कल आपको प्लाजो की और प्लेन सूट की जो कटिंग बताई थी उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने एक प्लाजो का आसन लिया हुआ है। पहले सबसे पहले आसन को मैं स्टिच करूंगी। मैं इसमें डबल सिलाई करूंगी। दूसरे आसन में भी मैंने सिलाई मार दी है। अब मैं इसके ये मेरा फ्रंट वाला है और ये जो है बैक वाला प्लाजो है, इसमें मैंने आधा इंच या डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ से आसन में। अब मैं इसमें राइट साइड में जेब लगाऊंगी, इसकी राइट साइड में निशान लगा के। ये मैंने जेब ली हुई है, उल्टी साइड से मैंने इसमें ये सिलाई डाल दी है। अब मैं इसमें सीधा करूँगी और एक और सिलाई पकाई के लिए डालूंगी। इस तरह से सीधा करके इसमें ऊपर से सिलाई मारूंगी। मेरी मशीन थोड़ी स्लो है। अब मैं इसे स्टिच करना सिखाऊंगी आपको। ये जो मेरा राइट साइड का है इसमें 2 इंच की जो है मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। 2 इंच में 2 इंच यहाँ से फोल्ड होगा, 2 इंच की इलास्टिक यहाँ तक, और फिर यहाँ से नीचे में इसमें जेब लगाऊंगी 1 इंच इसमें, 1 इंच नीचे से, और यहाँ से 6 इंच लंबाई में निशान लगाऊंगी। इस तरह से सी का इस तरह से मैं इसमें जेब लगाऊंगी। और जो मेरी जेब है ये सीधी है ना, हमें सीधी नहीं लगानी जेब, जेब हमेशा उल्टी करके लगानी है। ये मैंने उल्टी किया, उसको उल्टा किया और इस तरह से लगाएंगे हम। देखिए ये हमारा सीधा पार्ट है। आप चाहे तो इसमें टूक लगा सकते हैं। और इस तरह से इसको रखा, इस तरह से उल्टा देखिए। और अब मैं इसे स्टिच करूँगी। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा मैंने, 1 इंच। आप चाहे तो इसमें टूक का निशान लगा सकते हैं, जब आपको आइडिया हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप इसमें स्टिच करेंगे सी की तरह। ये देखिए मैंने इसमें सी की तरह निशान सिलाई डाल दी है। अब मैं इसमें साइड में टूक लगाऊंगी। इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से। अब मैं इसे सीधा कर दूंगी, ये देखिए। और जेब हमारी देखिए सीधी हो गई, अब खुद ही सीधी हो जाएगी, सीधी जेब लगेगी ऐसे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर से सिलाई डालेंगे, वही सी बनेगा। जिस तरह से हमने अंदर की सिलाई में डाला था उसी तरह बाहर की सिलाई से हम सी बनाएंगे। ये कपड़ा सलीन का है, इसमें सिलाई कम ही दिखती है। ये देखिए जेब लग चुकी है। अब मैं आपको इसको स्टिच करना सिखाऊंगी, जो हमारा दूसरा प्लाजो का पार्ट है। इन दोनों को सीधी साइड जो है हम अंदरली साइड को करेंगे और उल्टी बाहर की साइड को। ये देखिए अब जेब किस तरह लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखना आपने। दोनों सीसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। इसके साथ ही हम ये जो जेब है इसको डबल करके ऐसे स्टिच करेंगे, यहाँ से जेब खुली रहेगी यहाँ से, और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। अभी मैं स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरी जेब लग चुकी है, कितनी सुंदर लगी है देखिए। अब मैं इसके ऊपर से भी इसे इसमें सिलाई डालूंगी ताकि ये जल्दी नहीं फटे। पहले हम इसी दूसरी साइड से इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, मतलब सिलाई डालेंगे दूसरी साइड से भी इसमें ऐसे इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको सारे से स्टिच कर लिया। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी,
जो मैंने हमेशा ही इलास्टिक जो हमने लगानी होती है वो कमर का माइनस फोर करना है। अगर कमर आपकी इसमें हमारे पास जो है वो 31 है, मतलब 31 है, तो हम इसमें माइनस चार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक लेंगे, 4 इंच कम लेंगे कमर के, और उसको इसमें अब यहाँ से मैंने इसके स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। देखिए कि इस तरह से सरल तरीके से जेब भी हम इसी के साथ स्टिच करेंगे। देखेंगे ये हमारी इस साइड को राइट साइड को है, तो हम इस साइड से इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम जेब वाले से ही शुरू करेंगे। जैसे ये हमारा आसन है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और इस तरह से हम इसमें याद रखना है, ध्यान रखना है, ये हमारी इलास्टिक जो है सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए, ये सिलाई से अंदर ही रहनी चाहिए, सिलाई इसमें सिलाई नहीं लगनी चाहिए हमारे। इस तरह से और इस तरह से हम ये जेब भी हमें ऐसे इसी के साथ लेनी है, इस तरह से देखिए। और अब इसे हम सिलाई मारेंगे जहाँ से हमारी जेब शुरू होती है, इस तरह से, और इसी तरह से हम जेब का ध्यान रखना है कि जेब में इसमें स्टिच होनी चाहिए, इस तरह से देखिए। सारी इसी तरह से सभी जगह से ऐसे ही सिलाई मारते जाएंगे। हमारे इलास्टिक साइड में देखिए यहाँ से इतना एक्स्ट्रा, ये देखिए इस तरह से मैंने कहा था। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कपड़ा बहुत है और इलास्टिक कम है, हम इसे इस तरह से इसकी खिंचाई करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, और फिर इस कपड़े और फिर इस कपड़े में सिलाई मारेंगे इस तरह से। मैंने इसकी खिंचाई कर करके ये देखिए पूरा जो इसको स्टिच कर दिया। अब मैं इसे इलास्टिक में पूरे में इसको ऐड करूंगी। ये देखिए इसको किस तरह इस तरह से खींच कर इस तरह से इसकी खिंचाई करके जब तक जो है बिल्कुल सारे में बराबर नहीं हुआ। ये देखिए सारे में बराबर हो गया। अब मैं इसके ऊपर से सिलाई डालूँगी इस तरह से सीधे साइड से ऐसे। इस तरह से देखिए ऐसे पकड़ा मैंने और इस तरह ये देखिए फिक्स हो गया यहाँ से हमारा। फिर यहाँ से इसको ऐसे पकड़ूंगी और जोर से खींचूंगी ऐसे। और इस तरह से देखिए सारे में मैं इसी तरह से सिलाई मारूंगी। ये मेरा प्लाजो में ये रेडी हो गया। अब मैं इसमें जो है जितनी मेरी लेंथ है उतने में मैं इसमें यहाँ पर एक एक टुक डालूँगी जहाँ तक मेरी लेंथ आएगी, और यहाँ से इसको इसमें सिलाई डाल दूँगी। सिलाई के बाद जितना मेरे को इसमें जितनी चौड़ी मेरे को चाहिए इसका पोंचा जो नीचे मूरी है इसकी उतनी में रखूँगी और वहाँ से इसको सिलाई कर दूँगी। इस तरह से ये हमारा पैंट प्लाजो तैयार हो जाएगा। और अब मैं आपको कुर्ती बनाना सिखाऊँगी। ये कुर्ती मैंने कुर्ती का अगला फ्रंट लिया हुआ है, इसमें मैं गोल गला बना रही हूँ। ऐसे तो सिलीन के कपड़े में अगर गला बनाना हो तो हमें कॉटन का कपड़ा लगाना चाहिए, इसे जो है इसमें खिंचाई नहीं लगती, नीचे को खींचता नहीं। लेकिन मैंने इस गले में जो है वो पाइपिंग निकालनी, इसलिए मैंने यही कपड़ा लिया हुआ है, और इसी से मैं इसकी गले की पाइपिंग निकालूंगी इस तरह से, इस तरह से तीनों हिस्सों सिरों को मैं जो है यहाँ से सिलाई डालूंगी।
ये मैंने इसमें सिलाई डाल दी है, देखिए। अब मैं इसी से पाइपिंग निकालूंगी, किस तरह से देखिए, इस हल्का सा फोल्ड मारूंगी और ये देखिए यहाँ यहाँ से मैं इसमें सिलाई डालूंगी। देखिए मैं इसमें पाइपिंग निकाल दी है। अब मैं पीछे फ्रंट का गला बन गया है, मैं पीछे का गला बनाऊंगी। ऐसा गला बनाना है मैंने पीछे का। इसके लिए मैंने फिर रेबदार कपड़ा लिया हुआ है, इसी तरह से इसकी स्टिच करूंगी, इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये देखिए यहाँ से लूँगी। यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से कट मारकर डोरी भी लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से यहाँ से इसको स्टिच करूँगी। यहाँ पर जो है हम दोनों हिस्सों को जोड़कर यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और इसमें सिलाई, यहाँ से सिलाई मारेंगे। और फिर इसे अच्छी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ से देखिए मैंने राउंड में इसमें सारे में सिलाई डाल दी। अब मैं इस कपड़े को अंदरली साइड से करूँगी और यहाँ से चारों साइड से सिलाई डालेंगे। यहाँ से सिलाई मारने से पहले हम इसमें जो हमारा बैक है, गले गला पिछला गला, इसमें भी कपड़ा लगा लेंगे ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से हुए। यहाँ से इस तरह से इसमें सिलाई मारेंगे।
दोनों मुंडों में मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। सिलीन के सूट में आपकी जितनी सिलाई है उससे, फिटिंग की सिलाई है उससे आधा इंच कम भी रख सकते हैं। इससे अच्छी जो फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हैं उनके लिए अच्छी रहेगी। देखिए मैंने यहाँ भी निशान लगाया हुआ है और इस साइड भी, इन दोनों साइडों से मैं इसमें सिलाई डालूंगी, फिर आपके पास दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइडों से सिलाई डाल दी है। अब मैं बाजू इसमें स्टिच करूँगी। ये मेरे पास बाजू है, इसमें मैंने इनमें अभी कच्ची सिलाई की हुई है, मैं इसमें बाद में तुरपाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से हम बराबर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ तक आया और यहाँ से मैं सिलाई 4.5 इंच की मूरी तक लगाऊंगी। इस तरह से मैंने दोनों स्टिच कर दिए। अब मैं इनको सीधे करूँगी और सिलाई से सिलाई मिलाकर, देखिए इस तरह से, और इसमें पूरे में सिलाई डालूँगी। ओके,